चलो ठीक है, आज का कर रहे हैं सर्चिंग और सॉर्टिंग। मैं तेरे को एक चीज कहना चाहता हूँ, ये एक ऐप है, तुम सब लोग इंस्टॉल कर देना। सब लोग नाम है ऐप का एल्गोरिथम्स, ठीक है? तो इसमें हम पहले सर्चिंग करते हैं, लीनियर सर्च किसको करते हैं, लीनियर सर्च। हाँ वो है वाला तो हमने कर लिया, आपने ही बोला था। मैंने कब बोला? हाँ एक बार क्लास लिया था, मतलब कि कौन से नंबर के इंडेक्स ऑप्शन को निकालना है, तो वो तो इंडेक्स नंबर निकालना, लिस्ट सर्च। तो अच्छा तुम ये बताओ, अगर तुम सर्चिंग कर रहे हो स्ट्रिंग की, मतलब जैसे वी ई एन यू, ठीक है? अब इस ये स्ट्रिंग ऐसे है, इसमें तुम कैसे सर्च करोगे? एरर तो पढ़ लोगे, 1357 है, कैसे सर्च मारोगे? एक थ्री सर्च मारना है, तुम मारोगे क्या ये थ्री इक्वल है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे सेम तो क्या करना है, वन मोर टाइम सर्च मारना है। मैं एक एक्स है कि नहीं है, इसमें एक्स है या नहीं? हां ये हो गया। हां कैसे करोगे? इंडेक्स से रन नहीं, बाय डिफॉल्ट ऐसे चेक करेंगे। नहीं नहीं ऐसे ही, ऐसे ही विल रन लूप, देन विल टेल दैट इफ लिस्ट आई इक्वल इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब ये सॉर्टेड है, क्या है सॉर्टेड है, क्या सॉर्टेड है? 1357 सॉर्टेड है, मींस एक सीक्वेंस है, बड़ा हो रहा है ना, इंक्रीजिंग है ना। हां वो अच्छा है। सॉर्ट का मतलब जानते हो ना, सॉर्ट क्या होता है? हां मतलब ये 3751 था तो ये सॉर्टेड नहीं, सॉर्टेड नहीं, सॉर्टेड करना है तो 1357 ये सीक्वेंस है, ठीक है? तो 1357 है, तो इसमें तुम कैसे सर्च मारोगे? सेम ऐसे सर्च मारोगे? हां हां, अगर आपके पास 5 चाहिए तो 5 और फिर मतलब 1 4 करोगे, 1 3 जाओगे, 3 5 जाओगे, 5 हां। तो फिर कोई भी एक ही करना पड़ेगा ना, चेक कोई भी एक, जैसे आपने 5 बोला तो हम 5 5 कर देंगे, छोटे पहले। हां 5 इज इक्वल टू 5 है, ये तो है, ये नहीं करके क्या होता है, क्या होता है इसमें, नहीं छोटे बता तुमको यार, तुमको एक ही पता नहीं, एक बार में एक ही है एरे के, तुम्हें पता, तुम्हें एरे लिखा हुआ था ये ऊपर लिखा हुआ है, बट एरे के अंदर अगर तुम्हें ये पता करना है कि कौन सा एलिमेंट कौन सा है, तुम्हें फिर चेक करना पड़ता है कि क्या ये 3 ये 4 ये 5 है कि नहीं है। वो बाइनरी सर्च करता है ना, तुम्हारा नंबर है 1 3 8 9 2 4, अब मैं लिखता जा रहा हूं ध्यान से, एक बार मैं लिख रहा हूं, ओके? पता है इसमें 9 11 है, इसमें नहीं 11 है, इसमें जब तक कि तुम्हें लिस्ट पूरी नहीं मिल जाती तुम बोल सकते नहीं कोई चीज है कि नहीं है ना, समझ में आया? मतलब लिस्ट के अंदर तुम्हें पूरा चेक करना पड़ेगा, लिस्ट पूरी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि बताया ये वो नंबर है कि नहीं, आधी लिस्ट चेक करके मैं बता सकता नहीं हूँ कि वो है कि नहीं, समझ में आ रहा है? समझ में आ गई? अब अगर मैं लिस्ट दे रहा हूँ सॉर्टेड है, सेम लिस्ट है भाई, तो ये सॉर्ट क्या होगी, 1 2 3 बता नेक्स्ट नंबर आए, 8 9 11 9 2 है हाँ, 11 तो अब तू ये दे, मैं चालू कर रहा हूँ लिस्ट, सेम लिस्ट चालू कर रहा हूँ, बताना इसमें चालू कर रहा हूँ, तू सॉर्टेड बता मतलब मैं लिस्ट, चलिए नहीं एक बार लिस्ट दे रहा हूँ तेरे को मैं, सॉर्टेड है लिस्ट, ठीक है? बता रहा हूँ मुझे कैश में 6 है, नहीं है, कैसे कर, हो सकता है अभी तो लिस्ट, अभी तो नहीं है ना, मैंने बोला ना सॉर्टेड है लिस्ट, नहीं है, नहीं है, नहीं है, मतलब अगर लिस्ट सॉर्टेड है तो मुझे ये पहला नंबर देख के पता लग गया कि अच्छा है, नहीं सच है, नहीं है। तो एडवांटेज है ना सॉर्टेड लिस्ट में, तो लीनियर सर्च करने की जरूरत है, सोचो आराम से, सोचो भाई आज मुझे इसमें लीनियर सर्च करने की जरूरत पड़ेगी कि चेक करना है इलेवन है, और अगर पीछे वाला नंबर ही 11 से छोटा होता सॉर्टेड है ना, मान लो इसमें चेक कर रहे हैं 22 है कि नहीं, 22 25 है कि नहीं, क्या चेक कर रहे हैं इसमें 25 है कि नहीं, तो मैं यार वो पूरा पूरा चेक करूंगा, इसमें चेक कर रहे हैं 25 है कि नहीं, मैं 23 देखा अल्लाह ये सब 23 गया, तो फायदा सॉर्टेड में कुछ फायदा तो होना चाहिए ना, पक्की बात है, जितना टाइम इसमें लगा रहे हैं हम लोग उतना टाइम इसमें लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, because it is sorted and it is not sorted. सॉर्टेड में कुछ तो फायदा होना चाहिए, पहली बात समझ में आ रही है, अब देखते हैं सॉर्टेड में क्या फायदा होता है, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये जन्म हो रहा है हमारे एल्गोरिथम का, फायदा होगा पहली चीज ये बता रहा हूँ जिससे इसने कुछ बोला, लीनियर सर्च के अलावा हमें जरूरत क्या पड़ रही है कि हम बाहर सॉर्टिंग, लीनियर सर्च की बात कर रहा हूँ, तूने सॉर्टिंग का बोला था, लीनियर दो सर्च होती है, तो भी लीनियर सर्च लीनियर सर्च के अंदर हमें लिस्ट के एलिमेंट कितने एन
तो टाइम कितना लगेगा एंड टाइम रहेगा टाइम क्या होता है देखो हर एक ऑपरेशन करने में टाइम लगता है 10^-100 माइनस मैंने कहा कंप्यूटर भी क्लैप कर रहा है कितनी क्लैप कर रहा है एक सेकंड में 10^-9 क्लैप्स पर सेकंड 10^-9 क्लैप्स कर रहा है जिसमें पूरे वर्ल्ड के एक बंदे के हर एक बंदे के ना 10 एट्रीब्यूट्स है वेट हाइट लेंथ सब है एक बंदे के तो अगर टोटल बंदे ही 7 billion है 7×10^9 है और हर बंदे के 10 एट्रीब्यूट्स हैं तो ये कितना हो गया 7×10^10 हो गया इतना बड़ा डेटा में अगर मैं एन ऑपरेशन लूंगा मतलब हर एक लिस्ट में जा रहा हूँ पहला दूसरा ऐसे चेक कर रहा हूँ और एक मैं कर रहा हूँ बाइनरी सर्च अब बाइनरी सर्च की बात करते हैं बाइनरी सर्च क्या है अगर लिस्ट सॉर्टेड है मतलब एक लिस्ट है 1, 3, 7, 12, 35 मुझे चेक करना है इसमें 3 है कि नहीं मैंने चीज़ पता क्या किया मैंने सिंपल चीज़ बताऊँ मैं 7 पे गया मैं मिड पे देखा मिड कौन सा है टोटल इसके इंडेक्स कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5 इसका साइज कितना 5 है 5/2 किया मैंने मिड क्या है 7 है मैंने 7 को देखा मैंने बोला 7 बड़ा है 3 से छोटा है बड़ा है तो पक्का राइट में तो आंसर होगा ये किसी समझ में नहीं आया आधी एक बारी में आधी लिस्ट खाली कर दी हमने एक बारी में जो हम पूरा सर्च मार रहे थे क्योंकि सॉर्टेड है मैंने क्या बोला बीच वाला एलिमेंट को देखो बीच वाला एलिमेंट अगर मेरे को चाहिए उससे एक्स से अगर बड़ा हुआ तो उसके आगे तो आंसर होगा ही नहीं यार हाफ टाइम वी से मतलब एक एक बारी में आधा बार कम कर रहे हैं एक बारी में आधा सर्च आ रहे हैं तो इस पूरे में आंसर होगा नहीं होगा तो थ्री आगे होगा इसमें आंसर नहीं होगा फिर चेक किया दोनों के बीच का अभी लास्ट एलिमेंट हो गया या फर्स्ट एलिमेंट हो गया लिस्ट छोटी हो चुकी है अब इसमें इसमें बीच ये कितना है इसमें कितने इंडेक्स है 3/2 कितना होता है 1 तो 0, 1, 2, 1 अरे जी बिल्कुल ही आ गया खत्म कर प्रिंट कर दिया समझ में कितना प्रश्न दो प्रश्न में काम हो गया एक्सप्लेन 1, 3, 7, 12, 35 इसमें सर्च मारते हैं 2 क्या सर्च मारते हैं 2 मैंने बोला अच्छा इसका इंडेक्स कितना है 0, 1, 2, 3, 4 साइज कितना है इसका साइज कितना है 5 साइज है 5/2 का क्या 5/2 कितना होता है 2.5 2 होता है मतलब इंडिया 2 होता है 2 होता है तो 2 चेक कर 2 इंडेक्स कौन सा 2 इंडेक्स ये अब क्या 7 बड़ा है 2 से छोटा है 7 2 से बड़ा है बड़ा है तो अब ये बता दी 2 को मैं राइट में सर्च मारूं कि नहीं मारूं क्यों नहीं मारूं सॉर्टेड है और आंसर होगा ही ना भाई राइट में होगा ही नहीं भाई टू जब छोटा है 7 से तो मेरे को आधी लिस्ट तो खत्म ही कर देंगे मतलब ही नहीं मुझे यहाँ पे आंसर होगा ही नहीं अब मैं यही सर्च मारूंगा मारूंगा तो मैं क्या करूँगा मैं बोलूँगा अच्छा अब इनकम एंट्री करूँगा अब लिस्ट छोटी हो चुकी है लिस्ट इतनी हो गई टू मतलब इसका साइज कितना 3/2 इज 1, 1, 3 से बड़ा है छोटा है 2 छोटा तो यहाँ तो मारूंगा नहीं सर्च अभी छोटी लिस्ट हो गई अब इन दोनों का मिट क्या है 2/2 which is 1 actually वापस 3 है तो 3 से छोटा फिर 1 चेक करेंगे 1 1 का भाई क्योंकि 1/2 करेगा ना 1/2 इज 0 0 चेक करेगा 1 1 क्या इक्वल है तो क्या नहीं है तो ये बोलेगा है नहीं इसमें है क्योंकि इसके एंड में पहुंच गया ना मैं 1 और 3 इस हां here means we are dividing the range of list but if they in this list 3 times 2 times 3 is there. So that time what should we do? We will not do anything. We will just say 3 is there. If you are searching for 3, 2 times 3 is there. Doesn't matter. Break list is 1, 3, 3, 7, 12. Okay?
तू कैसा शुमारी हुआ मैंने पहले चेक किया मिड कौन सा मिड ही है ये क्या इक्वल है क्या ये थ्री टू से ट्वेल्व है ना ट्वेल्व से छोटा है बड़ा है नहीं है तो मतलब यहाँ तो होगा ही आंसर सिक्स तो मैं स्टार्ट को बोल दूंगा स्टार्ट में डाल दूंगा मिड ऑफ तो अब यहां ये स्टार्ट हो गया तो हम पहले इसकी जो लेंथ है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तब हमको मिड मिल जाएगा और हां मिड हो जाएगा स्टार्ट माइनस एंड बाय 2 एंड हां एंड प्लस स्टार्ट बाय हां मतलब स्टार्ट की वैल्यू मान लो टोटल लेंथ कितनी है इसकी 5 ऑलरेडी है टोटल लेंथ कितनी है इसकी 9 है ना तो 9 प्लस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है 8 प्लस 0 8 बाय 2 8 प्लस 0 बाय 2 ना तो 8 बाय 2 कितना है 4 हो गया 0 1 2 3 4 5 हां बनाया क्या बोल रहा हूं मैं 4 है इनिशियल भैया इन लूप हाउ आई कैन एक बार समझा ना बंदा मैंने ये देख लो देख लो अब यहां पे मिड में जाएगा वापस इनका मिड क्या है 6 और 9 का 0, 1, 2, 3 plus 0 by 2, which is 1, 7. 7 is mid. देखे ना, 0, 1, 2, 3. So, la end plus first, first is 0, by 2. क्या 7, 6 सर्ज मार में इसकी पूरा तो होगा नहीं, तो इसको छोड़ देगा, बचा ही 6 सर्ज में. पहले और एल्गोरिथम मतलब एस्टिमेशन अपन कर लेंगे बाद में एक बार सिमुलेट करते हैं पहले सॉर्ट कर रहा है पहले सॉर्ट हुआ है अभी बाइनरी सर्च स्टूडियो में कर रहा है भैया अगर हमारा इक्वेशन है वो अनसॉर्टेड तो पहले हमें उसे सॉर्ट करना पड़ेगा अगर बाइनरी सर्च करना है सॉर्ट करना पड़ेगा तो मतलब है कि बाइनरी सर्च तो हम बाइनरी सर्च करते हैं मैंने दोनों ऐसे किया करो तुम्हें डिक्शनरी में से नंबर ढूंढना है डिक्शनरी तुम्हारे पास तुमको भी ऐसे तुम्हें नंबर ढूंढना है एक्स तुम डिक्शनरी में कैसे खोलोगे एंड से खोलोगे ना हां ऑब्वियसली बात में है ए बी सी डी अरे एक्स खोलना तो एंड से खोलेंगे ना हां एक्स एक हमारी जो नॉर्मल जो शॉर्ट करते ना हम इसी पहले मिनट को वैसे कर सकते ना कि हमको उसके लिए ये मतलब कि
करके इंसर्शन सिलेक्शन ये वाला शब्द वो बाद में करेंगे, सॉर्टिंग वाला पार्ट करते हैं। सॉर्टिंग वाला पार्ट अगर ये वाली लिस्ट अनऑर्डर है तो सॉर्टिंग कैसे करनी है? हां सॉर्टिंग हमेशा मर्जॉर्ट से करते हैं, वो एफिशिएंसी चाहिए होती है, वो मैं बताऊंगा तुमको क्यों करते हैं मर्जॉर्ट। मेन पे तुम्हें आना चाहिए कैसे कर रहे हो, तुम टू आया मेरे में जो है 64 का मेरे ऊपर वही आंसर कितने से शॉर्ट का नहीं है, एक शॉर्ट ही दे रहे हैं, दो एक को आगे बट टू आल्सो इट हमको हटा ही दिया हटा दिया दो भी यहां पर अपडेट किया ना स्टार्ट इक्वल टू हां दो अगर ये हम करते हैं उसमें अभी तो फायदा यही है हमें शॉर्ट करने की जरूरत नहीं तो बेसिकली वर्स्ट केस में साइज ऑफ लिस्ट जितना होता है इसमें तो n साइज है तो n n होगी पर ये डाउनलोड कर लेते हैं ये फ्री में मिलेगा बेटा शॉर्ट फ्री में इसमें मुझे पढ़ना है एल्गोरिथम अब भी हम इंप्लीमेंटेशन देखें लीनियर सर्च का क्या करना है बताओ पहले सॉर्टिंग पढ़ेंगे कि लीनियर सर्च की इंप्लीमेंटेशन देखेंगे लीनियर सर्च का इंप्लीमेंट बाइनरी सर्च का बाइनरी सर्च बाइनरी सर्च ठीक है मैं दिखाता हूं इंप्लीमेंटेशन मैं चाहिए मुझे बताया था पर अभी अच्छे से जा रहा हूँ मैंने उस क्लास में कराया था ना जो प्रोजेक्टर से कराया था जब हाँ कराया था ज्यादा इसमें कैसे करोगे तुम अगर नाम है रवीना इसमें बाइनरी सर्च कैसे करोगे बाइनरी सर्च अरे अरे वी आई एम वी आल्सो हैव टू सॉर्ट दिस कैसे सॉर्ट करोगे और ए ए ए आई हां ए ए आई आई फिर आर फिर एन आर एन बी आई एन आई आई वन आर एन वी भैया फर्स्ट एक्सप्लेन बाइनरी सर्च इंपॉर्टेंट
देख मैंने कुछ चीजें बताई तेरे को, पॉइंट्स बना के रखना पहले ताकि दिक्कत ना हो। इधर जो मिड की वैल्यू ली है ना, अच्छा एक सेकंड रुक, इसने वो वाला लगा रखा है, वो वाला नीचे वाइल लूप वाला छोड़ दिया। अच्छा तुम मेरे को वाइल की कंडीशन दिखा दो, वाइल की कंडीशन क्या लिखोगे, वाइल लूप कब तक चलेगा इसमें? वाइल लूप इस वाले में, वाइल लूप मैं 6 2 सर्च मार रहा हूं, वाइल लूप कब तक चलेगा, कब सर्च मार रहा हूं लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है? एंड इज इंडेक्स ना, तो अगर माइनस वन नहीं करूंगा तो अपना सोच, अपना सोच आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, मेन बात यह है कि तुम्हें करना है, ट्राई करना है। क्या करना है यार? देख सॉर्टेड लिस्ट है, सॉर्टेड लिस्ट के अंदर तेरे को सर्च मारना है, मान ले तो बोलो इस मेरे लिस्ट में जीरो है, सर्च मारेगी जीरो कैसे है? नहीं सकता, वो भी बाइनरी सर्च से है, बाइनरी सर्च से वही आधा चेक करेगी आधा।
किसको कुछ नहीं चिमक रहा? कोई ऐसा है जो कुछ नहीं चिमक रहा? मतलब समझ में नहीं आ रहा। छोड़ दिया करो। अब तुम एक चीज देखो, स्टार्ट क्या है, स्टार्ट ही है, एंड क्या है, हमें क्या चेक करना है? स्टार्ट प्लस एंड क्या है? स्टार्ट प्लस एंड, स्टार्ट की वैल्यू कितनी? जीरो। एंड की वैल्यू कितनी? जीरो। इंडेक्स, हां इंडेक्स की वैल्यू इंडेक्स ही है ना? हां। एंड की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 एंड की वैल्यू 6 बाय 2 क्या है? 3 है, ठीक है। 0 1 4 है इक्वल 0 टू। तो अभी पहले ये 4 है, क्या है ये? ये क्या है? मतलब ARR ऑफ मिड, एंड मिड क्या है? मिड है मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस इनटू बाय 2, ठीक है। अब तुमने बोला ARR मिड क्या करेंगे? अब ARR मिड की तीन चीजें होती है, या तो ARR मिड बड़ा हो किससे? x से, या ARR मिड छोटा हो किससे? या फिर ARR मिड बराबर हो, अगर बराबर हो गया ना, अगर ये आती है तो रिटर्न 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 मिड, मान लो तुम मिड रिटर्न कर रहे हो, मतलब क्या? अगर ऐसा हुआ, क्या हुआ? इफ ARR मिड ये छोटा आया तो अब स्टार्ट क्या हो गया, एंड क्या हो गया? हमारी मेन लिस्ट क्या है? तो सोच ले बस, यहाँ पर सोचना था हमारी मेन लिस्ट क्या है। अगर ARR मिड जो है वो बड़ा छोटा होगा, हमारी मेन लिस्ट क्या है? क्योंकि मैंने ये तो कहा ना, लिस्ट इतनी थी, अगर ये वाला पार्ट, ये वाला बड़ा है x से, तो ये वाला पार्ट जो है वो काम का नहीं है, और अगर ये वाला पार्ट ये छोटा है तो इसके लिए छोटा आंसर होगा, तो ये वाला काम का नहीं है। तो इस वाले केस में
स्टार्ट एंड में क्या चेंज आएंगे, इस बार के में स्टार्ट एंड में क्या चेंज आएंगे, सही है समझ में आया सबको क्या क्या कर रहे हैं? शुरू बोलिए तुम्हारा सॉल्यूशन दिखाओ, तुम अपना करो, तुम अपना करो, तुम अपना करो, तुमने देख लिया है, तुमने नहीं देखा है, तुम लोग इधर पुलिस तक उनको दिखाओ, अभी दिखाओ पीछे कर दी बार जी कैसे दिखा दूँ तुम तो क्या बोल रही है, तुम बोल रही है जब ये लिस्ट है मिड ये है स्टार्ट ये है एंड ये है, तो बोल रही जब तक की स्टार्ट मिड तक ना आ जाए अगर तू हाँ तो हाँ कर लेगा फिर दो बार लू लिखेगी एक बार लू लिखेगी उसके बाद चल वो रही है ये यार यहां पे एंड करवा दिए जो क्या एक्स जो होगा हां ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एंड में यहां पे एक्स में वो एंड में स्टोर हो जाएगा एरे का मिड चार हो जाएगा तो जो चार है एक बार तो वो यहां से यहां तक जा रही है अगर आंसर यहां हुआ तो तो एंड में दे देगा ना नहीं ये तो दो 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 लिखने पड़ेंगे पक्की बात है तो हां हां ये बात तो पक्की ठीक है मुझे एक बार लग गई अब तो सोच रहा हूं ये बड़ा आएगा तो इधर वाली का तो काम नहीं देगा वो बता दूंगा ना देखो और स्टार्ट एंड से अब इधर आएगा एटलीस्ट ये देख ये स्टार्ट है एंड एंड में आगे तो क्या होगा स्टार्ट एंड क्रॉस कर जाएगा चल सोच मत उधर हम सोच छोड़ दो छोड़ इसको छोड़ दो अगर बराबर हुआ मिड वाला तीन को मार रहे तीन ही आ गया कोई दिक्कत नहीं अगर ये जो है ये बड़ा आया किससे बड़ा आया किससे एक्स से या ए आर जो है वो क्या आएगा छोटा आएगा एक्स से भी जाएगा ना तो और या फिर क्या होगा मिड इसके अंदर भी जाएगा तीनों में अलग अलग चीजें होगी तीनों एक कंडीशन आएगी भाई अब बीच वाला आ गया तो इक्वल तीन सर्च मार रहे थे बीच वाला तो इक्वल हो गया जीरो सर्च मार रहे थे बीच वाला बड़ा हो गया और अगर नाइन सर्च मार रहे थे बीच वाला छोटा हो गया नाइन नंबर अगर छोटा हो गया तो आंसर यहाँ पे होगा है ना अगर तीन बड़ा है तो आंसर यहाँ पे होगा एंड कहाँ पे शिफ्ट हो गया एंड यहाँ पे आ गया इसमें एंड यहाँ इसमें मिड स्टार्टिंग यहाँ पे आ गया नंबर यहाँ पर वाइल खत्म होने के बाद यहाँ पे वाइल खत्म होने के बाद यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर एंड में लिख देना रिटर्न अगर इस लूप से बाहर आना रिटर्न नहीं प्रिंट नंबर इज नॉट देयर और नंबर इज नॉट देयर लिखना है जब यहाँ पे नहीं घुसा था अप्लाई करना है नहीं अगर मान ले कुछ भी गया तो पहले लिखना करना प्रिंट कर देगा सो हियर आई विल पुट हियर नंबर इक्वल इक्वल टू 1 अगर यहां आई बुक नंबर इक्वल हां और यहां चेक कर लेंगे कंडीशन आ भी इफ नंबर इक्वल 1 दैट मींस अब यहां पे रिटर्न कर दे रिटर्न 1 रिटर्न 1 भूल मत रिटर्न
पहला कोड सही कोड सब लोग खुद के लिखोगे ना तो बेटर है, पता है क्यों? क्योंकि तुम गलतियां कर रहे हो, गलतियां करने से सीखता है इंसान। मन में आ रहा है लिख दो, मन में आ रहा है सोच, तुम क्या जरूरत नहीं है, मुझे दिखाओगे तो मैं तुम्हें करेक्ट ही करूँगा ना। इसने इतना अच्छा किया, इसने इसने एक्चुअली एक नई गलत निकाल दी, दो वाली लूप में करेंगे सही किया इसने, मतलब दो वाली लूप में किया, एक वाइल ऊपर एक वाइल लूप नीचे, मैं जाता हूँ एक ही वाइल लूप में पूरा, वाइल के अंदर वाइल नहीं, वाइल के नीचे वाइल न्यू है सेट यू। ओह यस डिस्कस करेंगे। हां भाई आई थिंक आई एम जस्ट यहाँ देख लो, पाँच मिनट देख, पाँच मिनट देख लो, जिसको ये वाइल की कंडीशन समझ में नहीं आ रही है, एक सेकंड का है एडिट, अगर ये वाइल की कंडीशन समझ में नहीं आ रही ना ये वाली, इसको भूल जाएगा करो, एक बार रुक जाएगा, एक तो एल है एक आर है, इधर आ जाओ, अगर वाइल की ये वाली कंडीशन समझ में नहीं आ रही ना ये वाली, एक बार इसको मत देख, इसको मत देख, बचे हुए देख, बाद में देख लेंगे इसको, मिड मिड के डिपेंड किया है ये, एक्चुअली एल प्लस आर बाई टू, इसको मत सोचना क्या लिखा है, एल प्लस आर बाई टू ये है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इससे। अब क्या चेक कर रहा है, तीन चेक कर रहा है, क्या इफ एक्स इज प्रेजेंट एट मिड, क्या चेक कर रहा है, ये तीन कंडीशन देख, मिड वाला जो है वो एक्स इक्वल है, मिड वाला एक्स से छोटा है, मिड वाला एक्स से या तीसरा तो बड़ा है, इफ एल इज एल फिर एल एल सिर्फ एल्स इक्वल क्या करते हैं, रिटर्न मिड कर दिया, छोटा तो क्या किया, अब लेफ्ट वाला मतलब जो स्टार्टिंग है एल मतलब स्टार्टिंग, स्टार्टिंग क्या होगा, मिड प्लस वन, मिड की जरूरत भी नहीं होगी, अगर मिड होगा तो मिड होगी, मिड प्लस वन होगा, मिड भी जरूरत नहीं है, हमें मिड मिड नहीं लिखाया, बच्चों लिखा तो मिड भी लिखाया, अरे मिड भी क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि अगर मिड प्रिंट हो जाता ना यहाँ पर, मिड भी नहीं है, मिड प्लस वन लिखा, और अगर तीसरा है कि अगर छोटा है तो क्या होगा, मिड माइनस एंड इज इक्वल, और सबसे बाहर निकल गया रिटर्न माइनस वन, मतलब कोई है ही नहीं, ये कोड समझ में आ गया ना सबको। अब तुम यहाँ पे हो, यहाँ पे जो यहाँ पे सोचो, सोचो तुम एक बार स्टार्ट क्या हो रहा है, इस कंडीशन को कर रहा देख, स्टार्ट देख रहा है एंड देख रहा, मान लिया एंड बिट हुआ, स्टार्ट बिट हुआ, एंड बिट हुआ, स्टार्ट बिट हुआ, एंड बिट हुआ, स्टार्ट एंड में तो क्रॉस कर जाएंगे ना दोनों, जब क्रॉस करते हैं तो वाइल टूटेगा भाई, देख पहले ये स्टार्ट है, एंड यहाँ पर मान लो, फिर एंड यहाँ पर, अब मान लो स्टार्ट आ जा रहा है, स्टार्ट आ जा रहा है, स्टार्ट आ जा रहा है, एक पॉइंट ऐसा आएगा ना तो ये क्रॉस कर जाएगा, जब क्रॉस कर जाएगा तो वाइल उधर हो जाना, क्योंकि अगर क्रॉस करेगा तो भाई क्रॉस क्यों करेगा, क्योंकि एंड प्लस स्टार्ट बाई टू मिड हो गया, एंड का स्टार्ट बाई टू मिड हो गया, n plus start by 2 mid हो रहा है, पर mid plus 1 हो गया mid बाद में, sorry l equal to mid plus 1 हो रहा है, तो l एक पॉइंट ऐसा होगा कि l यहाँ पे cross कर जाएगा, क्योंकि दोनों mid हो जाएंगे, दोनों mid हो जाएंगे तो क्या होगा, जैसे मैं बोलूँगा l equal to mid plus 1 यहाँ जाएगा, cross कर गया l टूट गया, तो while loop में जब भी start n से बड़ा हो जाएगा, तो मतलब हमारी सेल्फ कंप्लीट होगी, यहाँ पे mid plus 1 क्यों लिखा है, डायरेक्ट mid भी तो लिखा, cross कर गया ना दोनों, हाँ यहाँ पे l equal mid plus 1 क्यों लिखा, डायरेक्ट mid भी तो लिखा, होशियारी इसने होशियारी करी, क्यों बोल रहा है मिड चेक हो चुका है, मिड अलग होता, मिड निकल चुका होता तो मिड प्लस वन से करो ना, तो मिड प्लस वन से तो वो एक आगे वाला ही लिमिट लेगा ना, सही है ना, सही, तो भाई मिड चेक कर लिया ना, मिड चेक कर लिया ना ऑलरेडी, मिड अलग होता तो मिड प्लस वन, अच्छा तो फिर वो उसके आगे आगे से लेगा, अरे हम मिड माइनस वन ले, वो मिड वन चेक कर लेगा, अगर तुमसे ये हो गया ना तो मैं दूंगा क्वेश्चन तुम्हारे
इसमें अच्छी वाली इक्वेशन लग जाएगी, वरना फिर रिटर्न माइनस मार्क कर रहा है। अब तुम बताया करना है तुम्हारे लिए आज से प्रॉब्लम है, मैं आगे वो नहीं, आगे तुम्हें मैं सॉर्टिंग नहीं करा रहा आज, क्योंकि सॉर्टिंग में क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, इसी बेसिस पे क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि तुम अच्छे से क्वेश्चन करो। एक अनसॉर्टेड लिस्ट है, क्या एक अनसॉर्टेड लिस्ट फर्स्ट थ्री और सॉर्टेड, तुम्हें इसमें क्या निकालनी, पीक निकालनी है। पीक व्हाट इज पीक, पीक क्या होता है, पीक का होता है मतलब कि जो अपने आजू बाजू से पढ़ा है, मतलब वैसे मान लो नंबर है 37182, तो इसमें पीक क्या है, 8 पीक, 7 पीक है, 3 पीक नहीं है, 1 पीक नहीं है, 2 पीक नहीं है, कोई भी एक पीक निकाल ले, कोई भी एक पीक निकाल ले, कोई भी एक पीक निकालिए, वो बड़ी होना चाहिए अपने बगल वाले आप, चार डेट बोल 9165, तो इसमें 6 है पीक, 9 पीक है, कोई भी एक आंसर दे यार, 9 के बगल में तो कुछ है ही नहीं, तो उससे मतलब नहीं है, जो आखिरी वाला है ना, आखिरी वाला पहले वाला आखिरी वाला, उसके लिए सिर्फ एक से कंपेयर कर रहा हूँ। अच्छा जैसे तेरा नंबर बोल, 4 नंबर पहले, हाँ तो कुछ बोल, अब देख इसमें बता ऐसा, ये क्या चार अपने आजू बाजू से बड़ा है, छह आजू बाजू से बड़ा है, आठ है, दस है, दस है ना, बाजू में तो कुछ है ही नहीं, आजू में है आठ, ठीक है समझ में आ गया ये वाला, तो पीक हमेशा होगी कि नहीं होगी पहले तो बताओ, ये बताओ पहले, कोई अगर सारे एक बार है तो कोई पीक बोलेंगे, अगर बराबर है बड़ा है तो इसमें पीक नहीं होगी मान, तो हम ये बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं ऑलरेडी कोई इक्वल नहीं है, इक्वल इक्वल सीन नहीं है यहाँ पर, सारे डिस्टिंक्ट है, क्या है, सारे डिस्टिंक्ट है, पीक की डेफिनेशन होती है अगर अपने आजू बाजू वाले से कोई बड़ा होता है, तब मुझे ये बताओ कि तुम्हें कोई लिस्ट देनी, अनसॉर्टेड लिस्ट देनी, तुम्हें कोई भी पीक निकाल दी, कोई भी पीक, और तुम्हें हिंट दे रहा हूँ पहले बाइनरी सर्च के बेसिस पे सोचो, इसमें कोई पीक बता, हो गया बस, एक ही एक भी बता नहीं, एक भी बता नहीं, अगर तुम लोग आंसर 3 देगी सिर्फ चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, 2 5 6 देगी चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई भी, और आई एम गिविंग यू हिंट ऑल्सो, थिंक इन टर्म्स ऑफ बाइनरी सर्च, और अरे तो बस ये प्रिंट करना है, इज देयर इज पीक, तू बोलेगी यस, पीक मतलब जो सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा है वो नहीं जो अपने आर्मी वाले से बड़ा है, जैसे अगर तू इसमें तूने सिर्फ ढूंढ लिया 6, यस देयर इज पीक, कोई भी खाता नहीं, कोई भी मुंडा, तो भाई ये भी हम बीच में से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एग्जैक्टली बहुत अच्छा बोला, तो तुम्हारी हिंट दस्त दे दी पूजा, इसमें क्या करते हैं बाइनरी में, क्या करते हैं बाइनरी सर्च में, कहाँ चालू करते हैं, मुझे ट्राई करके देखो, बीच में चालू करके कुछ फायदा हो रहा है, मैं यहाँ पे आता हूँ मान, भैया कर ना लिस्ट, अगर ये पीक है ये कर दे दो ना, हाँ चलो 713264 भैया, मैक्सिमम नंबर निकाल दो इसके, तो मैक्सिमम कैसे, मैक्सिमम नंबर निकालेगी ना तो भी वो लीनियर सर्च, लीनियर सर्च लगेगा, पूरा लगेगा ना लीनियर सर्च, उससे कम टाइम पे करना है हमें।
मुझे कोई लॉजिक समझा दो बस कोड जो तुम बाद में लिखना जैसे एल्गोरिथम समझाते हैं ना समझा दो लॉजिक कैसे कैसे करोगे पहले यहाँ पे आएंगे मिड पे हाँ तो क्या करेंगे हम पहले तो मिड मतलब डिफाइन कर लेंगे कि कहाँ पे फिर क्या करेंगे हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ मिड इज इक्वल टू इफ मिड जो है वो जो है बड़ा है मिड प्लस वन से हाँ, ये वाला पता चल जाएगा तो फिर मिड माइनस वन तो ये वाला पता चल जाएगा ठीक तो हम इससे निकाल अगर बड़ा है दोनों से तो फिर अगर बड़ा है दोनों से तो फिर पता नहीं क्या पता ये मिड ही है मिड ही है फिर तो ठीक है अगर नहीं है मान लो मिड मिड यहाँ पर जीरो होता मान लो इसको जीरो कर दे जीरो जीरो कर दे अब बताओ क्या करते हैं और फिर दूसरी कंडीशन लगाते हैं उसमें क्या लगता है अगर मिड जो है वो बड़ा नहीं है राइट वाले से भैया तो मिड जो है ना वो तो आज कल वालों से बड़ा होगा बड़ा होगा तो क्या काम खत्म हो गया क्यों काम खत्म हो गया क्योंकि मिड बड़ा ही ठीक होगी हाँ सही दो कंडीशन हो रही है ना अगर मिड छोटा है राइट वाले से छोटा है तो भैया ये स्टार्ट है ये क्या है ये स्टार्ट है ठीक है ये मिड है इससे बड़ा नहीं है ये बड़ा इससे नहीं है ये बड़ा इससे नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा ना कुछ भी नहीं थ्री है ना थ्री और ग्राउंड के सेवन है सुनो ना तेरे तेरे तरीका सही नहीं है हाँ बता ये चेक कर लिया हम ये नहीं है ठीक है ये मीट नहीं है तो ये बड़ा नहीं है या ना इससे बड़ा नहीं है हम ऐसी कंडीशन लगे ना इससे बड़ा है ना इससे बड़ा है ठीक है एंड में तो फिर हम इसको भी इसको इससे चेक करवाएंगे थ्री से जो टू आ जाएगा ना हमारे पास जो ये वाला है इससे चेक करवाएंगे ये इससे बड़ा है कि नहीं यदि बड़ा निकलता तो ये होगा ना मिड ये होगा ना पिक क्यों अगर मन में आता सेवन होता तो फिर और पीछे जाते ना अगर तो नीचे सच कर लग गए थे ये तो नीचे आके आप इतने तोड़ के पीछे कर लगे आप कौन सा बड़ा देख लेते हैं तो दोनों साथ में चलेंगे ना बोधर ये देख 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 सबसे सिंपल चीज हमें वो करना है कि लिस्ट छोटी भी होनी चाहिए सिर्फ इसमें ना लिस्ट छोटी हो गई थी पहले हमने चेक क्या किया वन क्या वन बढ़ाया टू से अगर वन से बड़ा टू है यहाँ पर तो यहाँ पक्का पीक होगी होगी अब इस लिस्ट में चेक करने करो कर दो इसको छोड़ दो ठीक है समझ में आ गया समझ में आ गया भाई जहाँ पे वन से बड़ा है बहुत मुश्किल है ये समझना आसान नहीं समझना ये लेकिन मैं इधर जीरो भी हो सकता है क्योंकि ये तो अनसॉर्टेड लिस्ट है अरे एक सेकंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है देख तो कोई भी रैंडम नंबर चार चार लेते हैं चार हो गए थे एक दो तीन चार पाँच ही हो गए तो पाँच नंबर बोल कोई पाँच नंबर बोला चाहिए रैंडम पाँच नंबर बोल जीरो वन नाइन सेवन फाइव ठीक है टू और पाँच नाइन फाइव टू सेवन सेवन एक अलग अलग एट एक दो तीन चार पाँच टू और नाइन सेवन फाइव थ्री पाँच टू मैं बताऊँ क्या अब चेक करते हैं इसमें अब लगाते हैं वाला तरीका बीच का वाला नंबर अगर इससे जो बड़ा है ना पार्ट वहाँ पीक रुकी हुई मतलब हाँ अगर मान ले हाँ दोनों बड़े दोनों जगह पीक रुकी हुई यहाँ पे नाइन पीक है यहाँ पे आठ पीक है मेरे कहने का मतलब सुना ना इधर भी पांच है यहाँ पर तीन है ना सात है ना तो जहाँ पे जो बड़ा हो गया ये तो पीक है नहीं जो बड़ा हो गया वहाँ पीक होगी होगी भैया पता कैसे चलेगा कि इधर का बड़ा है इधर का बड़ा चेक कर लेंगे ना यार जहाँ पे
मतलब जो पार्ट में छोटा है ना इससे उसको काट दो और इसको भी काट दो, ये भी खाएगी। अब इसमें 51 बड़ा कौन सा 21 है, यहाँ पिक हो गई होगी, चेक कर 51 बीच में 100 भी है, हमेशा नोटिस कर लो तब देख लो इसमें 9 में 10 बड़ा है ना, तो यहाँ पिक हो ही होगी इस वाले में, ये भी खाएगी इसको काट दो पूरे सेम वही वाला पहले सेट वाला हो रहा है। मैं 0 एक मेरे पास ना अलग अलग होने चीज़ है, अब मिड ये क्या है पीक है नहीं है, तो मैंने बोला पीक एग्जिस्ट करती है कहाँ, जहाँ इससे बड़ा नंबर है, इससे बड़ा नंबर क्या है 1000 है, तो इस वाले को काट दो, क्या एग्जिस्ट करती है पीक करती है ना 1000 900 से बड़ा है 500 से बड़ा काटना क्या हमको सेम बाइनरी सर्च वाला है। अब बाइनरी सर्च में क्या तुम चीज करोगे कि आंसर आ जाए, मुझे इतना कर दो बस, तुम्हें अब क्या करना है बाइनरी सर्च वाली अगर तुम लिख चुके हो ये पूरी तुम्हारा प्रोजेक्ट ये है, मैं तुम्हें ये चेक करूंगा मैं आने के बाद और मैं कल भी चेक करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम टाइम से आ जाए टाइम से कोई दिक्कत नहीं है। पीक का अच्छा अच्छा कोड ये रहा पीक का, अगर तुम्हें रिव्यू करना है देखो ये देखो मैं सेंड कर दूं ना फाइंड अ पीक, तुम्हें क्वेश्चन भी देख लो उसमें क्वेश्चन भी गिवन एन एरे फॉर एग्जाम्पल द इनपुट इज दिस 20 इज द पीक input is this, there are two peaks 20 19 note that we need to return any one peak ek question that karta hu theek hai try kar lena acche se try karna code likhne ka pura pura aise code likha na ye wala binary search ka agar tumne ye khud se likh diya na tumhare ko binary search kiya tumhare ko binary search pe lagbhag 70 80 question bante hain same concept pe aise ek question mara na concept pe same concept pe 70 80 question bante hain tumhe sare aa jayenge अरे तुम बस मेहनत करते रहोगे ना तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। जीमेल जीमेल तो है नहीं, पे ऐड नहीं हो पा रहा है, किसकी जीमेल पे भेज दो, किसकी जीमेल पे चेक करते भी नहीं हो क्या कहते हैं वो, अच्छा पीक पर ऑलरेडी सेंड कर चुका हूं मैं, नहीं है चेक भी नहीं कर रहे यार जीमेल पे, ये कर देंगी वैसे अगर प्रेस अभिषेक भाई नहीं करते, हां करते हैं हम भी करते हैं यार, आज ही किया था लगा देंगे अभिषेक ने सबको कर दी थी वे लेके कर दिया ही मेरे को सब सबको तो के पास नहीं आता कभी नहीं करते मेरे बेटा हां जी वही सब वो दो दो कर रहे हैं पूर्ण भी सुना नहीं मत दीदी बेटा सबको आज ही मेरी बात मतलब वो क्या करते हैं जिस पूर्ण ना को लाई थी कर दी एक में लिखा हम मैं पढ़ना है सॉर्टिंग आई काम करते हैं सॉर्टिंग से एल्गोरिथम डिस्कस कर लेते हैं और इंप्लीमेंटेशन कर लेते हैं ठीक है सॉर्टिंग तो इसमें अज्यूम कर रहा सॉर्टिंग हो रखी है ऑलरेडी सॉर्टिंग का मतलब था शॉर्ट करना और इसका मतलब होता है सिर्फ एक चीज को सर्च करना अच्छा आप देखते हैं करो जरा तो एल्गोरिथम कौन सी शॉर्ट पढ़ना है तुमको आज कौन सा मानना तुम्हारा शॉर्टिंग पढ़ना है शॉर्टिंग के नाम बता रहा हूं मैं शॉर्टिंग के बबल सिलेक्शन इंसर्शन ही मर्ज क्विक ये हो गई ना तो बाइनरी सर्च अच्छा बाइनरी सर्च में कुछ चीज़ और करनी थी अगर तुम्हें
नाम सर्च करना है, नाम में ए सर्च करना है, तो कैसे करोगे? पहले शॉर्ट कट होगी ए बी सी डी सेट से, नाम में करेंगे इसे, मतलब तेरा नाम है ट्विंकल, टी डब्ल्यू आई एन के एल ई, पहले क्या आएगा? आई ई ई ए बी सी डी ई एफ जी आई आएगा एच आई जे के एल एम टी एन ओ पी क्यू आर एस टी है ना, एक एलिमेंट तो इसमें क्या करूँगा पहले मैं? अब क्या करूँगा मैं? अच्छा सुन सही, क्या चेक करूँगा मैं कि इसमें मान लो ये चेक करना है तो बाकी सारे करूँगा मैं, मिड एलिमेंट देखूंगा, मिड एलिमेंट ये क्या ये ए से बड़ा है, ए बड़े से बड़ा है, एन ए से बड़ा होता है, हाँ होता है, पक्का इधर तो होगा नहीं, इधर ही होगा, इधर होगा, बस प्रेस कर दो, मुझे भी बताओ कि बबल सॉर्ट क्या होता है, सॉर्टिंग का ये कुछ ज्यादा नहीं जाएगा क्या आज? हां भैया चलो मैं इसको से वो बजा के दिखाओ ना थोड़ा, क्योंकि अरे मुझे ना डर लग रहा है, मैं ज्यादा पढ़ते हां सही बात है, ज्यादा जाएगा ऊपर जाएगा, ऊपर से जाएगा, मतलब ही क्या पढ़ते हैं हमने सेटिंग देख ली है, डिस्कस कर लो ना वो शॉट के बारे में, एक बार से देख लो क्या कर रहा है, ये रैंडम है ना, मेरे कर लो तेरा जी, मैं मुझे अच्छे से नहीं, तू बड़ा कौन सा है, मतलब मुझे पता है, इधर देख दे ना भैया, हां बड़ा है इसे कर, बड़ा छोटा वही देखता है भैया ने सर्चिंग लिख रहा तो मुझे लगा कि गूगल पे कैसे सर्च करते हैं वो सिखाएंगे, देख सिलेक्शन बबल किया ना, मर्ज कैसे कर रहे हैं भैया, कर रहे हैं यहां वो बताओ, मैं तो इंसर्शन बता दूं, कौन सा है, कौन सा है, मर्ज मर्ज तो बहुत ही अच्छी बात है, ये क्या है, पहले दो लिस्ट बनाता है उसमें फिर ऐसे ऐसे करता है, पहले दो बनाएगा, दो का दो बनाएगा, दो का दो बनाएगा, हां दो का दो, दो का दो, दो का दो, राइट थ्री डायग्राम, हां क्विक क्विक, दोनों ये कौन सा भैया, क्विक, यू डन, यू अंडरस्टूड दिस, भैया बैटरी का होगा, बैटरी का होगा, बैटरी नहीं है, लेकिन वो जो छोटी होती है ना वो वाली बहुत मेरे यहाँ
मेरे को हमेशा एंड बाय टू का दिक्कत ये है कि ये वाला सुन कर दिया स्टार्ट वाला आना चाहिए क्या करें और वो जब मैं फिर मैं ये एडिट कर रही कि अगर ये वाला बन गया ये वाला कंडीशन रही वो नहीं करना क्या गेट अंदर जाना गेट अंदर जाना अच्छा सुनो पनीर भुर्जी पड़ी है किसी को खानी खा लो यार पनीर भुर्जी पड़ी है पनीर भुर्जी गेम कर गेम कर पा देंगे बंद कर गेम कर सब्जी गेम कर दे ये खाना है खाना बड़ा खाना खा ले वो तो सब्जी है ना अनुराग ने बनाई है ओह ही गिव भी आपके पास और कुछ नहीं खाने के लिए आम है भैया का चाहिए मेरे को भी जाने एल्फेंजो आम है देसी आप भी अरविंद आम भी काट रहे हैं भैया चार्जर भी लगा अरे रोटी रोटी के साथ कुछ आ रही नहीं मेरे रोटी तो खानी भैया चार्जर भी लगा नहीं आ रही है अभी वेजिटेरियन था भैया आम है क्या मुझे भी चाहिए अरविंद के बोला ए सबको दे रहे विन ए आप काटो देने काट रहा हूं भाई यार बहुत इसी बनाया है भैया खा लो मैं खाना है खाना नहीं अरे मेरे कमरे में किस पर कर रहे हो अच्छा आप नहीं खाते ना मैं एकदम देसी हेलो ना भैया ये चार्ज भी करना होता है ना नहीं एक्चुअली क्या है कि बैटरी सेल पूरा वो हो गया बहुत दूर जाया है इसको अरे तुम ले आना ना तुमसे मेरे से लेना मत ले ये जो गाड़ी वाला नहीं है वो आवे ना जो आपका अंदर से करती है ये मेरे जो दोस्त है ना उसके पापा के गांव के गांव मुझे भी दे ये आमों का राजा है एलिफेंटो एलिफेंटो एलफोंजो आप बहुत टेस्टी लग रही है इसके साथ आम भी बहुत अच्छा है यार चलो मैं जाने के लिए जा रही हूँ भैया बुद्धिया बुद्धिया ये क्यों मैं इतना कमाल दिया उन्होंने भी तो हाथ पकड़ लिया अच्छा है यार अनुराग जी ने बनाया अनुराग जी में दीदी ये दिख पिक्चर बनाने लगी दैट दीदी इज मेकिंग टू ऑन कैसे लगा तुमको गुडली गुडली देखी कितनी बड़ी गुडली है गुटला यार देखो इधर से भी मैं खाती है ऐसा मत बोलो हैं गुटला है गुटला गुटली नहीं है मार है मार गुट्टे की गुटली बस सिर्फ पनीर ही पनीर है इसके अंदर ये कैसे दे रहा है हाय इसमें डालने सब टेस्ट नहीं आ रहा क्या टेस्ट नहीं आ रहा है तुझे तेरे को लगा ये थैली है ना ये थैली है ना ये थैली मांडी की थैली धूप में गायब हो जाती क्या क्या बनी है धूप में गायब हो जाती क्या जी हाँ हट नहीं भैया हट कुछ भी आप तो बोलते हो एक्सपेरिमेंट करके दिखाना चाहिए ना वैसे स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट से मैं मानी खाना ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल इको फ्रेंडली गार्बेज बैग गार्बेज बैग धूप में गायब कब कैसे को ये तुम्हारे तो होगा रत्नागिरी तुम तो हो ही पाएंगे मुंबई रत्नागिरी काम है ना नागपुर जो भी है महाराष्ट्र तो फेमस है इसके लिए पालघर में बहुत अच्छा लगना तो
इंदौर के पास गया था और चाय वही सरदार जी कचड़ी चाय चाय वही कचड़ी और जलेबी साथ में कितना गंदा खाना जितना तुम खाते हो कोई नहीं खाता दुनिया में तुमसे गंदा खाना भाई भैया आप क्या बोल रहे हो जबकि इंदौर का खाना कितना फेमस है अनहेल्दी जलेबी चाय कचौड़ी हम तो जलेबी रबड़ी के साथ खाते हैं। हाँ, रबड़ी के साथ चाय। अरे इस पर आप देना मुझे वो कर्शन के। हम तो खाते हैं छिलके। आप रबड़ी खाते हैं? हाँ, हमारे लिए खाते हैं। वो डालते हैं ना? तुम्हारे से ना? कहाँ से तो धंधा? हमारे इधर नहीं खाते लेकिन मैं खाती हूँ। अमरों के पास है ना? नहीं। चावल तो ऐसा। थैंक यू भैया। ओके, गुड नाइट।